हेलो दोस्तों, टारगेट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं रीजनिंग की लेक्चर्स फोर्स लेकर आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। मेरे 3 लेक्चर पहले कंप्लीट हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं पहले, उनको देख लें। और आज उसी का फोर्थ पार्ट लेकर आया हूँ, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर्स होता है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस इस में पूछे जाते हैं। तो इसके जो वेज होते हैं वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से इसकी इजी ट्रिक्स होती है और किस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आता हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चंस आपसे ये पूछा जाएगा कि यदि किसी कोड भाषा में पीपल आर अर्निंग मनी इज रिटर्न अस CKPDTASP, मतलब इनमें जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं प्यूपिल, इनमें जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं प्यूपिल, उनका जो कोड है वो है आपका प्यूपिल आर अर्निंग मनी में। ये सारे कोड है, मतलब इनका जो कोड दिया हुआ है ना, वो इधर दिया हुआ है सीके, मतलब प्यूपिल का कोड या तो सीके हो सकता है, या पीडी हो सकता है, टीए हो सकता है, या एसपी हो सकता है। इसी तरह कंपनीज आर पेइंग मोर के जो कोड है वो ये है, उसी तरह अर्निंग विथ मोर मनी के जो कोड है वो ये है, इसी तरीके से गेटिंग वर्क पेइंग मनी के कोड ये है। इसमें जो फर्स्ट आपको 3 स्टेप्स करनी है, वो फर्स्ट स्टेप इसमें रहेगी कि आपको सबसे पहले किसी भी 2 इक्वेशंस को आपको लेना है। जैसे पीपल आर अर्निंग मनी, मैं मान लेता हूं ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। कंपनीज आर पेइंग मोर, ये मेरी इक्वेशंस 2 हुए, है ना। तो ये है अपनी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में अपन को करना है कि इसमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशंस में कौन सा ऐसा मेरा वर्ड्स है जो यहां पर सेम आया है। तो यहां पर अगर अपन देखते हैं तो आर दिखेगा आपको, जो इस इक्वेशंस में भी है और इस इक्वेशंस में भी है। मतलब यदि इधर आर अगर मेरा सेम है, तो ऐसा कोई ना कोई कोड उन्होंने दिया होगा जो इस इक्वेशंस में सेम होगा और इस इक्वेशंस में सेम होगा। तो देखते हैं वो कोड कौन सा है सेम। तो यहां पर देखिए, सी के इसमें नहीं है, पीडी इसमें नहीं है, टीए इसमें नहीं है, पर एसपी आपको दिखेगा, एसपी यहां है और यहां है। तो आपको थर्ड स्टेप में क्या फाइंड हुआ, आपको थर्ड स्टेप में फाइंड हुआ आर का कोड, जो कि क्या निकला, एसपी। तो अपन क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले इसकी एक ट्री होती है कि जितने भी वर्ड्स आपको निकालना है उनकी क्या करिए, सिंबल्स डाल दीजिए, या तो आप इसको सर्कल से डिनोट कर दीजिए कि आर का जो कोड है वो सर्कल से डिनोट होगा, या इन पे नंबरिंग कर दीजिए कि R1 पर आया है अपना कोड तो यहां पर भी आप 1 लिख दीजिए। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन और या तो फर्स्ट इक्वेशन या थर्ड इक्वेशंस को ले लीजिए, इस इक्वेशंस को थर्ड नाम दे देते हैं अपन। तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशंस में देखेंगे कि कौन से वर्ड्स सेम है। तो यहां पर पीपल आर अर्निंग मनी है और यहां पर अर्निंग विथ मोर मनी, मतलब यहां पर आपको 2 वर्ड्स मिले हैं, अर्निंग और मनी, और यहां पर भी है अर्निंग और क्या है मनी, मतलब कि यहां पर आपको 2 कोड मिलेंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि मनी को एक और बार ऐसा वर्ड लीजिए जिसमें मनी 3 बार आए या अर्निंग 3 बार आए, तो आपको क्या मिलेगा, अर्निंग और मनी का एक सेपरेट कोड मिल जाएगा। तो यहां पर देखते हैं, मनी इसमें भी है, मनी इसमें भी है और मनी इसमें भी है, इसमें आपको अर्निंग तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए मनी मनी और मनी। तो यहां पर देखते हैं फर्स्ट थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस में मनी कहां पर दिखाई दे रहा है, इधर कोड। तो मनी का कोड देखते हैं अपन, सीके सीके और सीके, मतलब सीके किसका कोड हो गया, सीके कोड हो गया अपना मनी का, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरा जो वर्ड था अर्निंग, अर्निंग का कोड किस तरीके से निकाल सकते हैं अपन, पीडी यहां पर भी है और पीडी यहां पर भी है, तो पीडी किसके लिए कोड हो गया, एयरनिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अपन क्या करते हैं, इसमें सभी के कोड फाइंड आउट ना करते हुए सबसे पहले
अगली जो फोर्थ स्टेप होती है वो स्टेप होती है आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखना है, डायरेक्टली क्वेश्चंस देखना है कि क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चंस में वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर मोर मनी, मतलब कि आपको केवल मोर मनी का कोड निकालना है, ना कि इन सभी का कोड निकालना है। तो सबसे पहले मनी का कोड आपने निकाल लिया था, मनी का कोड क्या है, सीके। तो यहां पर मनी का कोड आपको सीके मिल गया है। तो एक ऑप्शन होता है कि आप ऑप्शन इलिमिनेट करता, ऑप्शन किस तरीके से इलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इलिमिनेट करना है कि जिस कोड में आपको सीके नहीं दिखाई दे रहा है वो ऑप्शंस काट दीजिए। यहां पर ए में सीके आपको नहीं मिल रहा है, ओपीटीए आपको नहीं मिल रहा है, और बचते हैं बी और डी। तो देखते हैं मोर का कोड क्या होगा। तो मोर का कोड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मनी को, यहां पर मनी का कोड निकाल लिया, अर्निंग का कोड निकाल दिया, विथ और मोर बचे हैं। तो मोर देखिए किन दो इक्वेशंस में है आपको, तो आपको मिलेगा कि इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री में मुझे मोर मिल रहा है। तो यहां पर जो मोर है वो यहां पर क्या कोड है इन दोनों का, तो के एल जो है वो आपको किसका कोड मिल गया, मोर का कोड मिल गया है। तो यहां पर के एल अगर मोर का कोड मिल गया है तो आपको जो ऑप्शन दिखेंगे सी के वो किसका कोड हो गया, मनी का, और के एल किसका कोड हो गया, सी के का। मतलब आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या है, आपका राइट आंसर से। इस तरीके से ये इलिमिनेट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का आता है उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद किसका कोड पूछा है वो दो इक्वेशंस आपको लेनी है कि किन इक्वेशंस में मुझे ये वर्ड्स मिलेंगे। और इसी तरीके से आप इजीली 30 to 20 सेकंड्स में ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी का क्वेश्चंस में सेकंड लेकर आया हूं, ठीक है। तो सेकंड इसका जो ऑप्शन है वो आपको दिख गया है कि ऑप्शंस भी अपना राइट आंसर है, ओके। तो मोर मनी का ऑप्शंस जो बी निकला है वो अपना सही आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने लिए कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोडेड अस सा, मतलब सा किसके लिए कोड किया हुआ है, सह का कोड निकालना है। तो अपन को इसमें देखना है कि सा किस किस इक्वेशंस में है, है ना। तो ये अपनी इक्वेशंस फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ये चार इक्वेशंस है, अपन को देखना है एस ए किस किस इक्वेशंस में। तो अपन देखते हैं एस ए इस इक्वेशंस में, बाकी कई इसी इक्वेशंस में आपको एस ए दिख रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, पीडी के एल और सी के काटेंगे। तो पीडी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, पीडी यहां है और यहां है, सी के यहां है और यहां है। तो ऐसे कौन से दो वर्ड है जो इस इक्वेशंस में भी आए, फर्स्ट इक्वेशंस में और थर्ड इक्वेशंस में भी आए। तो आप देखेंगे अर्निंग मनी इसमें भी था और अर्निंग मनी इसमें भी था, तो ये दो काट दिए। अब बचा मोर का, तो मोर इसमें है और मोर इसमें है, तो उसका कोड क्या हो गया, उसका कोड हो गया आपका केएल, तो वो भी काट दीजिए। तो ऐसे किसका कोड बच गया है, ऐसे कोड बच गया है विथ का। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या है, राइट आंसर से। इस तरीके से आपने कितने टाइम में, विद इन 20 सेकंड्स में ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन अपने लिए आया है, विच कोड वुड बी फॉर प्यूपिल वर्क हार्ड, मतलब प्यूपिल वर्क हार्ड का कोड क्या होगा, ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले प्यूपिल वर्क हार्ड कोई से भी दो वर्ड्स ले लीजिए जो अपन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले प्यूपिल को निकालते हैं अपन। प्यूपिल अपना कॉमन मिल सकता है क्या, किसी इक्वेशंस में नहीं मिल सकता है, तो बहुत ही टफ पड़ेगा। तो वर्क को देखते हैं, वर्क निकल सकता है क्या, वर्क भी अपने पास नहीं है डबल। तो हार्ड भी नहीं है, हार्ड का कोड नहीं है, है ना। तो प्यूपिल और वर्क का कोड सबसे पहले निकालते हैं किस तरीके से, जैसे अर्निंग मनी इसमें है, अर्निंग मनी इसमें है, तो अर्निंग मनी से अर्निंग मनी कैंसिल्स, मतलब सीके और पीडी, सीके और पीडी कैंसिल्स। बचे क्या है, प्यूपिल आर, और यहां पर क्या बचे हैं, प्यूपिल आर बचे हैं। तो आर कहां से काट सकते हो आप, यहां से। तो आर का कोड क्या होगा, आर का कोड होगा आपका एसपी, ओके। तो बचा क्या है, टीए, तो वो किसका कोड हो गया, प्यूपिल का। तो टीए कोड हो गया है प्यूपिल का। तो मैंने बोला था कि जहां पर आपको ये मिल गया है तो ऑप्शंस इलिमिनेट करिए सबसे पहले। अगर इस इक्वेशंस में आपको टीए मिल रहा है, मतलब ये ऑप्शंस अपना हो सकता है,
इसमें TA मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है तो ये ऑप्शंस काट दीजिए, इसमें मिल रहा है, हाँ मिल रहा है तो ये ऑप्शंस हो सकता है, डी में क्या है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये सबसे बाद में ऑप्शंस रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जब अपन इन दोनों के जो कोड है वो फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद। तो अभी अपने पास बचे हैं 3 ऑप्शंस, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो देखते हैं सेकेंड वर्ड की ओर, जो अपना कोड है वर्क, तो वर्क कहां से निकल जाएगा अपना, वर्क निकलेगा फोर्थ से। तो देखते हैं मनी को काट देंगे, तो मनी का कोड क्या निकला था, सी के, वो हो गया। उसके बाद पेइंग, पेइंग कहां से, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन से। तो सेकंड और फोर्थ इक्वेशंस में क्या कॉमन है, सेकंड और फोर्थ इक्वेशंस में देखते हो आप तो आपको मिलेगा क्यू आर पी एस एल के एल सी के एस पी पी एस PS, तो PS जो कोड है वो क्या है, पेइंग का कोड हो गया। बचा क्या है, गेटिंग, तो गेटिंग किस में है, गेटिंग नहीं मिलेगा आपको, तो गेटिंग जो कोड हो जाएगा, गेटिंग कोड हो जाएगा, अपने को वर्क का निकालना था, तो गेटिंग और वर्क, गेटिंग और वर्क, तो गेटिंग अपने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर किसी भी इक्वेशंस में, ठीक है। तो वर्क, वर्क भी नहीं मिल रहा है, मोर विथ मोर मनी, गेटिंग वर्क पेइंग मनी। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वर्क का जो कोड होगा वो क्या होगा, वर्क का कोड होगा अपना ओपी और एएल, ओके। तो देन हार्ड का कोड तो अपने पास, हार्ड तो इसमें है नहीं, तो हार्ड के लिए उसने किसी और कोड को दिया होगा। तो देखते हैं यहाँ पर जो कोड है वो कोड है TA, ठीक है, देन उसके बाद AL और PD, पीडी अपने लिए यहाँ पर कोड दिया हुआ था, वो किसका कोड था, मनी का कोड था, मनी का अर्निंग का कोड था, ओके, पीडी अपना अर्निंग का कोड था। तो यहाँ पर अर्निंग कोड नहीं होगा, तो ये ऑप्शंस काटेंगे और ये ऑप्शंस काटेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं TA, OP और HK, HK यहाँ पर अपने पास किसी का कोड है क्या, नहीं कोड है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस होगा वो क्या होगा, HK। तो HK जो हो गया वो अपना किसका कोड हो गया है, प्यूपिल वर्क हार्ड का कोड हो गया है, ठीक है। तो ये आंसर्स जो ऑप्शंस ई है ये अपना राइट आंसर है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस था। इसमें क्या होता है कि दोस्तों सबसे पहले प्यूपिल का कोड निकाला, वर्क के अगर आपको दो कोड दिए हो और हार्ड आपको इसमें मतलब इक्वेशंस में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो हार्ड का वो कोई ना कोई अदर कोड देगा जो यहां पर आपको किसी भी इक्वेशंस में नहीं मिलना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, ओके दोस्तों, ये तो ये हमेशा ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं क्या है क्वेश्चंस अपने सामने। क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द कोड फॉर आर विथ पेइंग, आर विथ पेइंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर का कोड अपन निकालते हैं, तो आर का कोड अपन को फर्स्ट इक्वेशंस और सेकेंड इक्वेशंस में मिलता है, तो क्या क्या ऑप्शंस अपने सेम है इसमें। तो देखते हैं जो SP है वो अपना किसका कोड मिल गया, R का कोड मिल गया। इसी तरीके से विथ का कोड निकालेंगे, तो विथ मुझे कहाँ से मिलेगा, विथ मिलेगा जब अर्निंग मोर मनी को मैं काटूंगा तो मुझे विथ का कोड मिल सकता है। तो सबसे पहले मनी और अर्निंग फर्स्ट और थर्ड इक्वेशंस में, तो ऐसे कौन से दो ऑप्शन है जो मुझे फर्स्ट और थर्ड इक्वेशंस में मिल रहे, PD और CK, ये थर्ड ऑप्शंस में मिल रहे हैं, PD और CK काट दिया। बचा क्या है मेरे पास, KL और SA, तो मोर काटना है, तो विथ का कोड मिल जाएगा, तो मोर मिलेगा मुझे सेकेंड इक्वेशंस में। सो सेकेंड में क्या कॉमन है, KL और KL कॉमन है, तो SA किसका कोड हो गया, SA कोड हो गया है विथ का। तो यहाँ पर जो SA कोड हुआ है विथ का, तो अब पेइंग का निकालना है, तो पेइंग कहाँ से मिलेगा मुझे, पेइंग मिलेगा मुझे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से, सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन से। तो सेकेंड और फोर्थ में क्या कॉमन है, PS कॉमन है, तो PS कोड हो गया इसका। तो सबसे पहले SP SA PS ये अपना कोड आया है, तो SP PS SA, ओके, हाँ आगे पीछे लिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, आगे अगर पीछे भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि कोड होना चाहिए, तीनों कोड होना चाहिए, ओके। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शंस डी राइट आंसर है, इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो देखते हैं कहीं ना कहीं अपन से मिस्टेक हो गई है किसी ना किसी कोड की। तो सबसे पहले जो कोड निकाला था आर का, आर का कोड क्या निकाला था, SP, वो SP अपने को मिला है, PS वो भी अपने को मिला है, पर KL किसका कोड दिया हुआ है, विथ का। तो देखते हैं KL किसका, विथ का कोड नहीं है, KL देखिए यहाँ पर,
के एल इस इक्वेशंस में है और इस इक्वेशंस में, तो के एल किसका, मोर का कोड है। तो यहाँ पर जो अपन ने आंसर्स निकाला है एस ए, वो राइट आंसर्स है। ओके, तो घबराइए मत, यहाँ पर ऑप्शंस जो डी है वो राइट आंसर्स होगा, न कि ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। पांचवा क्वेश्चन जो कि अपने सामने है, विच इज द फॉलोइंग कोड फॉर कंपनीज, कंपनीज के लिए आपको कोड निकालना है कि कंपनीज का कोड क्या होगा। तो वही क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मोर को, जो मोर कॉमन है, पेइंग कॉमन है, उनको इलिमिनेट करिए। तो सबसे पहले मोर को इलिमिनेट करिए, मोर इसमें भी है और थर्ड इक्वेशंस में भी है, तो ऐसे कौन से दो वर्ड्स है जो सेकेंड इक्वेशंस और थर्ड इक्वेशंस में है। तो के एल आपको मिलता है कि सेकेंड और थर्ड में है, पेइंग, पेइंग किसमें मिलेगा आपको, सेकेंड इक्वेशंस और फोर्थ इक्वेशंस में। तो ऐसे कौन से वर्ड्स है जो सेकेंड इक्वेशंस और फोर्थ इक्वेशंस में, तो पी एस आपको ऐसा मिलेगा जो सेकेंड इक्वेशंस और फोर्थ इक्वेशंस में है। नेक्स्ट बात करता हूँ आर की, तो आर मुझे मिलेगा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस में। तो यहाँ पर जो एस पी है वो किसका हो गया, R का कोड हो गया, तो बचा हुआ QR किसका कोड हो जाएगा, अपना कंपनी का कोड हो जाएगा। तो कंपनी का कोड क्या निकला है, QR। तो देखते हैं ऑप्शंस कौन सा है, ऑप्शंस ए अपना राइट आंसर है, जो कि अपना आ गया है यहाँ पर ऑप्शंस ए आंसर। तो दोस्तों ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चंस लेके आया था सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का, जिसमें मैं बहुत ही इजी ट्रिक्स बताया है, जिसमें मैंने फोर स्टेप बताई है कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको इक्वेशंस निकालनी है कि किस में कॉमन आता है, सेकेंड ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कॉमन वर्ड्स है उसको एक इलिमिनेट करना है कि इसका कोड क्या होगा, उसको एक अलग से ऑप्शंस में, मतलब या तो नंबरिंग करके डाल दीजिए कि प्यूपिल है तो उसका कोड क्या है, तो नंबरिंग कर दीजिए, या किसी सिंबल से डिनोट कर दीजिए, सर्कल है, ट्रायंगल है या रेक्टेंगल से, है ना। ओके, देन उसके बाद आप ऑप्शंस इलिमिनेट करिए सबसे पहले, और सबसे पहले ये भी करिए कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़िए। ओके दोस्तों, ये थी अपनी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। मेरा अगर ये लेक्चर्स आपको बहुत अच्छा लगा हो तो मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाएं और इसी तरीके से हमारी सीरीज आगे चलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, एंड मिलते हैं कल अगले लेक्चर्स के साथ।